सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल टेबल्स एक लाइन में मैं आपका होस्ट इंद्र विशाल सिंह जी हाँ, और लौट आया हूँ आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, मेरे लिए भी गुड न्यूज़ है और मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ये आर्टिकल पढ़ के। जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों के सामने आया है वो देख के मैं बहुत ज़्यादा, और आपको भी जब पता चलेगा इस न्यूज़ के बारे में तो आप भी इनफैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। सो गाइज, ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना तब जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके काम की लायक ये वीडियो है। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, इस वीडियो को ज़रूर देखना गाइज। तो गाइज, मैं अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप सबको, कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो पा रहा है, सो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि अब हाई कोर्ट ने नेगेटिव मार्किंग हटा दिया है। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से नेगेटिव मार्किंग हट गया यार, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो क्या हो सकती है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हम लोग, मतलब स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो नेगेटिव मार्किंग के कारण वो मतलब अच्छा से एग्ज़ाम नहीं दे पाता था। जो क्वेश्चन उसको डाउट होता था वो भी वो क्वेश्चन वो अटैम्प्ट नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सो गाइज, मतलब और जब ये नेगेटिव मार्किंग ही नहीं रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप आराम से एग्ज़ाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, धुक्का भी मारो मेरे ख्याल से। तो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ये जान के कि मतलब, और आई थिंक आपको भी ये न्यूज़ मतलब बिलीव नहीं होगा, इसलिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से जाके वो आर्टिकल पढ़ लेना, तब जाके आपको बिलीव हो जाएगा कि ऐसा सच में हुआ है कि हाईकोर्ट ने नेगेटिव मार्किंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हटा दिया। बिल्कुल जी हाँ। तो सो गाइज, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब तक पहुँचे ये गुड न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़। सो गाइज, मैं तो और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सोया हुआ था, मुझे अचानक मेरे भैया ने एक ये व्हाट्सअप किया तो मैं देखा तो मैं मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं अभी उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए अपलोड किया ताकि आप सबको ये वीडियो देख के खुश हो जाए। सो गाइज, सो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइज, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ गाइज। सो ऑल द बेस्ट।